लोग बैठते थे वो पूछते थे भाई ये लोगों का बताओ ये सचमुच में किसिंग विसिंग होती है सचमुच में होती है? मेरे यहाँ सब सचमुच में होता है, ऐसे थोड़ी ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अवनीत कौर के साथ लिप लॉक सीन की वजह से हो गए हैं ट्रोल। वेल, पर बड़ी खबर ये नहीं है, 21-year-old एक्ट्रेस के साथ किसिंग सीन पर बैकलैश फेस करने के बाद नवाजुद्दीन ने जो रिएक्शन दिया है वो है इस वक्त की एक बड़ी हेडलाइंस। Yes, you heard it right. नवाज ने अपने ऑन स्क्रीन रोमांस को जस्टिफाई करते हुए एक्टर्स की यंग जनरेशन को बता दिया है नल्ली मतलब यूजलेस। वेल, क्या है ये पूरा मामला, आगे की कहानी देखकर आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म टीकू वेज शेरू की जो झलक सामने आई है उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी एज से आधी उम्र की एक्ट्रेस अवनीत कौर के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। रिसेंटली जब नवाज और अवनीत के एक लिप लॉक सीन की झलक जैसे ही सामने आई तो नेटिजन्स ने नवाज को ब्रूटली ट्रोल कर दिया, जिसके बाद ट्रोलर्स को स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करते हुए नवाज ने कुछ ऐसा कह दिया है जो बना रहा है हेडलाइंस। नवाजुद्दीन ने रोमांस को एजलेस बताते हुए रिपोर्टेडली कहा, Why will there be a problem? Romance is ageless. The problem is that the young men have no romance left. We are from the times when romance was something else. We would be in love and be in ishq for years. Today, Shah Rukh Khan continues to do romantic roles because the young generation is nulli. They don't know romance. इतना ही नहीं, नवाजुद्दीन ने ये भी कहा कि younger generation का romance सिर्फ social media पर सीमित रह गया है। नवाज का कहना था, Everything today happens on WhatsApp. Be it love or breakup. There is a reason behind this. People who have lived in romance can do romance. Who else will do it? बता दे कि कंगना रनौत की प्रोड्यूस्ड की हुई फिल्म टीकू वेज शेरू के डायरेक्टर है साई कबीर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अवनीत कौर के अलावा फिल्म में मुकेश भट्ट भी पिविटल रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 23 जून से एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.